कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतं हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। हो गया समुपस्थित समादरणीय संत वृंद विद्वद वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, अभी हमने मान्य महानुभावों के मुखारविंद से धर्म अध्यात्म राष्ट्र से संबद्ध शास्त्र सम्मत दिव्य भावों को सुना। प्रातः सत्र में प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम चलता है। आज मैंने संकेत किया था, कल यहाँ पर सायं सत्र में भी कहा था, मनु जी ने सावधान किया महायंत्र प्रवर्तनम। मनुस्मृति के 11वें अध्याय का यह वचन है। विश्व में जितनी विसंगतियाँ हो सकती हैं उनके मूल में महायंत्रों का प्रवर्तन ही सिद्ध होता है। अतएव शासन तंत्र का यह दायित्व होता है कि महायंत्रों का प्रवर्तन न करे। उपपातकों में महायंत्र का प्रवर्तन माना है,
मनु भगवान ने। संस्कृत का शब्द है मनु, जिसका अर्थ होता है मंत्र। अतएव मनु जी ने जो कुछ कहा वह मंत्रार्थ ही है, वेदार्थ ही है, ऐसा समझना चाहिए। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने थोड़ा आगे आ जाए, मनुस्मृति के संबंध में एक भाव व्यक्त किया कि वेदों का तात्पर्य धर्म और ब्रह्म में सन्निहित है। पूर्व मीमांसा का प्रारंभ था तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है, उत्तर मीमांसा का प्रारंभ था तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है, पूर्वोत्तर मीमांसा की संरचना तो कालांतर में हुई, लेकिन भगवान मनु ने वेदों का तात्पर्य मनुस्मृति के माध्यम से व्यक्त किया, जिसके प्रथम और बारहवें अध्याय में धर्म को स्फुट रीति से बताने की भावना से धर्म का लक्ष्य जो होना चाहिए उस ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन किया। मनुस्मृति के प्रथम और अंतिम अध्याय में सूत्र शैली में ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन किया गया है। मध्य के जो 10 अध्याय हैं उनके माध्यम से धर्म को स्थापित किया गया है, धर्म के वास्तव स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार से जीवन को सार्थक करने वाले दो ही तत्व हैं धर्म और ब्रह्म, ये दोनों वेदार्थ हैं, वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य हैं। इसका मतलब प्रमाणांतर से अनधिगत और अबाधित धर्म और ब्रह्म का प्रतिपादन करने में ही वेदों का मुख्य तात्पर्य सन्निहित है। अपूर्व शब्द साहित्य का भी है, दर्शन का भी है। एक विचित्र तथ्य है, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। पंच ज्ञानेंद्रियों को लेकर विचार करें तो प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय का विषय अपूर्व ही होता है। चुलबुली भाषा में कहें तो अपूर्व का अर्थ अनुच्छिष्ट। कानों के द्वारा ही हम शब्द का श्रवण कर सकते हैं, इतर किसी करण के द्वारा नहीं। तो कानों का जो विषय है शब्द अपूर्व है या नहीं, अनुच्छिष्ट है। मान लिया कि सर्प को चक्षु श्रवा कहते हैं, लेकिन नेत्र गोलक में ही श्रवण के संस्थान भी सन्निहित होते हैं। वास्तव में सर्प भी श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा ही शब्द का ग्रहण करता है, त्वक के द्वारा स्पर्श का ग्रहण होता है, लेकिन स्पर्श त्वक का अनुच्छिष्ट विषय है, जिसे अन्य करण के द्वारा उसका ग्रहण नहीं हो सकता। तो प्रत्येक इंद्रिय का जो विषय होता है अनुच्छिष्ट ही होता है, अर्थात अपूर्व ही होता है। इस दृष्टि से विचार करें तो धर्म और ब्रह्म का विज्ञान हमको वेदों के द्वारा ही हो सकता है। और एक विचित्र तथ्य, बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य के प्रारंभ में भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने प्रकाशित किया, देहांतर से संबद्ध जो आत्मा है उसका विज्ञान तो हमको वेदों के द्वारा ही हो सकता है। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस सिद्धांत में परंपरा प्राप्त आस्था के बल पर और प्रमाण के बल पर जिसकी निष्ठा है वही वैदिक मार्ग पर चल सकता है। वेदोक्त कर्मकांड हो, चाहे उपासना कांड हो, चाहे ज्ञान कांड हो, उसका निर्वाह कौन कर सकता है? वही जो इस तथ्य को मानता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इसको सुगमता पूर्वक समझने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं। सावधान,
कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति की आयु 70 वर्षों की पूर्ण हो चुकी है। कदाचित एक वर्ष की सीमा में उसने 10 स्वप्न ही देखा हो, तो भी 70 वर्षों की अवधि में स्वप्न के 700 शरीर तो उसके नष्ट हो गए, लेकिन वो अपना नाश तो नहीं मानता। शरीर की संख्या 700 हो जाने पर भी अपनी संख्या तो 700 नहीं मानता है। केवल इस दृष्टांत के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य ख्यापित होता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। एक बहुत आश्चर्य और विनोद की बात है। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने कहा, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, तभी देहांतर में जीवात्मा की स्थिति मान्य हो सकती है। कदाचित कोई कहे कि तर्कणा शक्ति के बल पर इस तथ्य को वैशेषिकों ने ख्यापित किया, तो भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने कहा, वेद सम्मत जो तर्क उसी का आलंबन लेकर वैशेषिकों ने देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता इस तथ्य को ख्यापित किया, लेकिन अंत में कह दिया यह हमारी युक्ति है, तर्कणा शक्ति के द्वारा हमने इस तथ्य को ख्यापित किया है। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, श्रुति सम्मत जो अनुमान है उसको आत्मसात करके अपने शब्दों में वैशेषिकों ने भले ही देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता यह तथ्य ख्यापित किया हो, लेकिन वस्तुतः उसका श्रेय श्रुति को ही जाता है, क्योंकि श्रुति ने ही सर्वप्रथम अकाट्य युक्तियों के द्वारा देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता इस तथ्य को ख्यापित किया है। तो हम एक संकेत करते हैं, जिसके जीवन में धर्मनिष्ठा नहीं और भगवत भक्ति रूपा ब्रह्मनिष्ठा नहीं, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर उसका जीवन कभी सार्थक हो ही नहीं सकता। जीवन को सार्थक करने के लिए वेदों के सिद्धांत में स्थान्वित होना बहुत ही आवश्यक है। एक बार मैंने पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग के यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की व्याख्या के संदर्भ में एक तथ्य ख्यापित किया, गुरुओं की कृपा से आज भी स्मरण हो आया। विश्व में जो कुछ हमको दिव्यता दिखाई पड़ती है उसका एकमात्र श्रेय वेदों को जाता है। वैदिक कर्मकांड उपासना कांड का आलंबन न लें तो विश्व में कोई भी दिव्यता परिलक्षित न हो। अगर वेदोक्त कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड को छोड़ दें तो नरक और नारकी व्यक्तियों का समुदाय ही विश्व बच जाए। आज चंद्रमा के रूप में, अग्नि के रूप में, सूर्य के रूप में, वायु देवता के रूप में जिनका वर्णन किया जाता है, जिसका श्रवण हम करते हैं, वे सब कौन है? वो सब तो दिव्यात्मा है ना। वेदोक्त कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप देहत्याग के पश्चात उनको अधिदैव विग्रह प्राप्त हुआ है। इसलिए विश्व में जितनी चमत्कृति है वो वेदों के कारण है। अगर वैदिक मार्ग का उच्छेद कर दिया जाए तो विश्व नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही शेष रहेगा। अंत में हम संकेत करते हैं कि नरक की यातना क्यों किनको मिलती है, यातना शरीर नरक में किनको प्राप्त होता है? जो वेदोक्त मार्ग का उल्लंघन करते हैं, तो इससे सिद्ध हो गया ना, अगर वेदोक्त कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड को हम स्वीकार नहीं करते नहीं मानते तो हमारे द्वारा जो निर्मित विश्व होगा वो नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय ही होगा। तो हम नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय ही तो विकास के नाम पर निर्मित करने जा रहे हैं। इधर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अभी हमारे बहुत ही लाडले प्यारे विद्वान मनीषी श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र महाभाग ने संकेत किया और करना भी चाहिए, तो मैं भी कह दूं, कर्मकांड अब क्या रह गया है, प्रायः वेश वर्ण और विधि निरपेक्ष, वेश
वर्ण और विधि निरपेक्ष कर्मकांड विस्फोटक होगा या नहीं। आजकल के कर्मकांडियों ने प्रायः कर्मकांड का जो सार था, जिसके कारण कर्मकांड फल देता था, उसमें शोधन कर लिया। वर्ण निरपेक्ष, विधि निरपेक्ष, वेश निरपेक्ष कर्मकांड, वो घातक हो गया, मारक हो गया। इतना संकेत है। उपासना की दृष्टि से मैं तो 1972 से वृंदावन धाम से संबद्ध हूँ। ज्ञान, विवेक और वैराग्य निरपेक्ष उपासना पद्धति, इसलिए उपासना के नाम पर बहुत विकृति आ गई है। भगवान के अवतार काल में पुण्य की प्रगल्भता के बल पर विवेक और वैराग्य के बिना भी भक्ति की उपलब्धि हो सकती थी, लेकिन श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुत विरति विवेक तेन चल ही नरमोह वश कल्प ही पंथ अनेक। और अंततो गत्वा श्रीमद् भागवत के महात्म्य का अनुशीलन कर रहे हैं, तो विवेक और वैराग्य भक्ति देवी के सुपुत्र हैं या नहीं। उपासना में भी संशोधन कर लिया आजकल के महानुभावों ने, पंथाइयों ने। सत संप्रदाय को पंथ का रूप देना हो तो अधिकार संपदा को हटा दीजिए और पंथ को संप्रदाय, सत संप्रदाय का रूप देना हो तो अधिकार संपदा को जोड़ दीजिए। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग के अवतार में एक विशेषता यह भी थी कि उन्होंने पंथ को सत संप्रदाय का रूप दे दिया, और आजकल सत संप्रदाय को पंथ का रूप दिया जा रहा है। इसका मतलब विवेक वैराग्य विहीन उपासना पद्धति चलने के कारण उपासना के गर्भ से भी विस्फोट निकल रहा है। साधन चतुष्टय निरपेक्ष वेदांत का उपदेश होने के कारण वेदांत भी विस्फोटक सिद्ध हो रहा है। कामुकता में वेदांत का पर्यवसान सिद्ध हो रहा है, धन मान में ही वेदांत का पर्यवसान सिद्ध हो रहा है। बहुत आश्चर्य की बात है, मनुस्मृति में मनु भगवान ने क्या संकेत किया, अर्थ काम से अनासक्त व्यक्तियों के लिए यह धर्मशास्त्र है। जब धर्मशास्त्र में अधिकृत व्यक्ति कौन है, अर्थ काम से विरक्त अर्थात मर्यादा का अतिक्रमण करके अर्थोपार्जन विषयोपभोग से जो विरत हो चुके हैं, उनके लिए यह धर्मशास्त्र है। बहुत ऊंची बात है। अब रह गई बात योग की, योग की बात बहुत चर्चा चलती है। यम नियम निरपेक्ष योग चला दिया गया, जो जटिल घाटी आधारशिला जिसको कहते हैं उसको हटा करके अब योगी। एक महात्मा मेरे सामने ही कहीं प्रवचन कर रहे थे, समाधि पर बोल रहे थे, कुर्सी पर बैठकर पांव को हिलाते हुए भी आपको समाधि प्राप्त हो सकती है। बड़ी विचित्र बात। मैं विद्वानों के विनोद के लिए एक संकेत करता हूँ। योग को परिभाषित किया योग दर्शन ने, 192 सूत्र योग दर्शन में हैं। योग क्या है, चित्त वृत्ति का निरोध। सांडिल्योपनिषद का यह वचन है जो योग दर्शन में समुद्रित, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। ये भी बहुत ऊंचे विद्वान हैं, उदासीन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य श्री मंडन मिश्र जी की जन्मभूमि के क्षेत्र के हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, योगियों के यहाँ जो चित्त है वो अणु परिमाण परिमित नहीं है, मध्यम परिमाण परिमित नहीं है, विभु है। तो वामतीकार वाचस्पत मिश्र जैसे महानुभाव जब व्यास भाष्य पर टीका लिखने लगे, चित्त वृत्ति का निरोध योग है, थोड़ी देर कलम रुक गई। चित्त वृत्ति का निरोध योग है कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन योग दर्शन जब कहेगा या कहता है कि चित्त वृत्ति का निरोध योग है, तो प्रश्न उठता है कि विभु जो चित्त है उसकी वृत्ति कैसे होगी, उसके निरोध का प्रकार क्या होगा। बहुत बड़ी जटिल समस्या है ना। आकाश की वृत्ति का निरोध करो, अगर कोई कहे
तो फिर आकाश की वृत्ति को पहले बनाइए। क्या अप्राप्त का प्रतिषेध तो नहीं होता, पहले तो चित्त की वृत्ति होनी चाहिए ना, तब उसका निरोध होगा ना। तो जिनका चित्त अणु परिमाण परिमित है, नैयायिकों का वैशेषिकों का, उनके यहाँ यह योग की परिभाषा कैसे चरितार्थ होगी कि चित्त वृत्ति का निरोध ही हो गया। और हम वेदांतियों का चित्त तो सबके पास है, लेकिन चित्त को लेकर मान्यता में भेद है। तो वेदांतियों के यहाँ मधुसूदन सरस्वती जी महाभाग ने भक्ति रसायन में स्पष्ट किया कि मध्यम परिमाण परिमित चित्त होता है। तो मध्यम परिमाण परिमित जिनका चित्त है, या जिनके मत में चित्त मध्यम परिमाण परिमित है, उनके यहाँ तो वृत्ति संभव है, तो वृत्ति का निरोध भी हो सकता है। जैसे जल है तो जल तरंग भी है, बुद्ध भी है, फेन भी है। लेकिन जिनके यहाँ चित्त अणु परिमाण परिमित है, तो उसके यहाँ वृत्ति माने बुलबुला कार्य। वृत्ति ही पहले सिद्ध कीजिए, तब तो वृत्ति के निरोध की बात चलेगी ना। उनके यहाँ तो चित्त वृत्ति के निरोध की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि वृत्ति है ही नहीं। वृत्ति हो तब उसके निरोध की आवश्यकता हो ना। अणु परिमाण परिमित जिसका चित्त है, उसके यहाँ तो वृत्ति शून्य ही चित्त है, उसका परिणाम नहीं। परिणाम तो मध्यम परिमाण परिमित पदार्थ का होता है ना। तो ऐसी स्थिति में वैशेषिकों की दृष्टि से, योगियों की दृष्टि और नैयायिकों की दृष्टि से विचार करें तो पहले चित्त वृत्ति ही उनके यहाँ किस प्रकार सिद्ध होगी, और चित्त वृत्ति सिद्ध होगी तब उसके निरोध का प्रसंग होगा। इसी प्रकार जिस दर्शन का यह सूत्र माना जाता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, उस दर्शन के यहाँ तो चित्त विभु पदार्थ है, महापरिमाण परिमित है। तो जिनका चित्त विभु है, उनके यहाँ चित्त वृत्ति की सिद्धि किस प्रकार होगी। चित्त वृत्ति की सिद्धि नहीं होगी तो उसके निरोध का प्रसंग भी कैसे होगा। अंत में औपाधिक ही तो मानेंगे ना, औपाधिक माने बिना, जैसे आकाश में जो विभेद होगा, आकाश में जो वृत्ति होगी उपाधि को लेकर, घटाकाश मठाकाश आदि को लेकर। तो हमने एक संकेत किया कि पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग ने मुझे बताया, विश्व में योग के नाम पर जिनकी चर्चा थी, मैं निंदा की दृष्टि से नहीं कह रहा, नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम की दृष्टि से कह रहा हूँ, पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग ने अपने एक गुरु भाई को एकांत में पूछा कि विश्व में योग का प्रचार करते हो, बहुत अच्छी बात है, जरा योग की परिभाषा बताओ। नहीं बता सकते। तो उन्होंने कहा कि योग पर व्याख्यान देने वाले विश्व में चर्चित महानुभाव को योग की परिभाषा ही स्वामी जी नहीं मालूम है। तो हमने यह बताया कि यम नियम की घाटी पार किए बिना आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की घाटी कैसे कोई तय कर सकता है। तो योग के नाम पर भी एक व्यापार चल पड़ा कि कड़वी घाटी जो है, जटिल घाटी जो है, आधारशिला जो है, जैसे नींव ही न डालें और भवन बनाना चाहें 10 मंजिल के तो क्या होगा। यम नियम निरपेक्ष योग को चला दिया गया, इसलिए एक सर्वत्र दिशाहीन व्यापार तंत्र परिलक्षित होता है। तो एक सूत्र हमारे भीष्म जी ने दिया, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। ऋग्वेद में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, सायण भाष्य के अनुसार लोक और परलोक दोनों का नाम राज्य है। यहाँ तो प्रांत का नाम राज्य होता है, राज्य माने राष्ट्र, राज्य का वृहत अर्थ है लोक और परलोक। तो कम से कम लोक तो मान लें मर्त्यलोक, पूरे विश्व को, अपने क्षेत्र को। राज्यम पर्ण्यम न कारयेत, राजा का यह दायित्व है कि अपने राज्य को बाजार का सौदा न बनने दे। अब गंभीरता पूर्वक विचार करें, आज हर व्यक्ति की संरचना जो की जाती है, हर व्यक्ति को प्रशिक्षित जो किया जाता है, संस्कृति के नाम पर जो विकृति का आधान किया जाता है, हर व्यक्ति को बाजार का सौदा बनाने के लिए ही निर्मित किया जाता है। यानी माने
देवियों का श्रृंगार देख लीजिए, बाबाओं का श्रृंगार देख लीजिए, निंदा में तात्पर्य नहीं है, हमको वस्तु स्थिति के आकलन के लिए इन सब के निरूपण की आवश्यकता पड़ती है। पूरे भारत की संरचना हो रही है व्यापार तंत्र के लिए, लेकिन भीष्म जी ने कहा राज्यम परिणयम न कारयेत, शिक्षण संस्थान पर वज्रपात किया भीष्म जी ने, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, शिक्षण संस्थान पर वज्रपात किया है भीष्म जी ने। आज जीवसवो विद्याम यशक काम समन्ततः ते सर्वे नृपपापिष्ठा धर्मस्य परिपंथिनः, उच्चारण भी कठिन है इस श्लोक का। आज जीवसवो विद्याम यशक काम समन्ततः ते सर्वे नृपपापिष्ठा धर्मस्य परिपंथिनः, केवल एक वचन ले लें, एक श्लोक ले लें, एक कारिका ले लें तो शिक्षण संस्थान का स्वरूप नग्न होकर हमारे सामने आ जाएगा। भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी को सावधान करते हुए कहा जो अपनी विद्या शिक्षा कला का समन्ततः पूर्ण रूप से उपयोग और विनियोग अर्थ और काम के लिए ही करते हैं या धर्म धन और मान के लिए ही करते हैं, ते सर्वे पापिष्ठा, वे सब एक नंबर के अव्वल दर्जे के पापी हैं, सुपरलेटिव डिग्री। और धर्मस्य परिपंथिनः, धर्मद्रोही है। इस दृष्टि से विचार करने पर तो प्रायः विश्व के जितने शिक्षण संस्थान हैं आजकल सर्व धर्मद्रोह के केंद्र हो जाते हैं, अब पाप के केंद्र हो जाते हैं। अब एक बहुत विचित्र बात है, उन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से जितने व्यक्ति शिक्षित हैं वो धर्मद्रोही हुए बिना, पापिष्ठ हुए बिना कैसे रह सकते। तो शिक्षण संस्थान में आमूलचूल परिवर्तन जैसे प्रहलाद ने किया ना, प्रहलाद ने स्वस्थ क्रांति कहाँ से की, संडामर्क के द्वारा, हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रेरित संडामर्क के द्वारा जो शिक्षा पद्धति चलाई गई थी उस पर पानी फेरने का काम ही तो भक्त प्रवर प्रहलाद ने देवर्ष नारद की दी हुई दृष्टि के माध्यम से किया ना। तो एक ही शिक्षण संस्थानों में क्रांति लाने के लिए भीष्म जी का एक वचन पर्याप्त है। आज जीवसवो विद्याम यशः कामौ समन्ततः, समन्ततः पूर्णतः ते सर्वे नृपपापिष्ठा धर्मस्य परिपंथिनः, अपनी विद्या को शिक्षा को कला को जो केवल धन और मान के लिए प्रयुक्त करते हैं वे सब के सब पापी हैं, धर्मद्रोही हैं। इसका अर्थ यह है कि शिक्षण संस्थानों को और शिक्षित व्यक्तियों को धर्मद्रोह से बचाने का प्रकल्प अवश्य होना चाहिए। तो हमारे ऋषियों ने कितनी दूरदर्शिता का परिचय दिया, अगर 15 लाख रुपये 50 लाख रुपये खर्च करके कोई इंजीनियर बनेगा, चिकित्सक बनेगा, उससे आशा की जा सकती है कि वह देश का पोषक होगा, अपने विभाग का शोषक हुए बिना रह सकता है क्या, शोषण का केंद्र तो उसका जीवन बनेगा, देश में शोषण की विधा चलेगी। हमारे यहाँ सुदामा जी और कृष्ण जी एक ही शिक्षण संस्थान में पढ़ते थे, क्या निःशुल्क शिक्षा होती थी, निःशुल्क शिक्षा होती थी और शिक्षण पद्धति में क्या चमत्कृति थी, शुक्र नीति के अनुसार, पहले तो याज्ञवल्क स्मृति के अनुसार विद्या के 14 प्रभेद हैं, शिव पुराण के अनुसार 14 को विकसित करके 18 तक किया गया, 14 में अंतर्निहित हैं अन्य विद्याएं, लेकिन शिव पुराण के अनुसार विद्या के 18 प्रभेद हैं। शीतोपनिषद के अनुसार गायत्री मंत्र की दृष्टि से 24 प्रभेद हैं, अक्षर की दृष्टि से, छंद की दृष्टि से, और शुक्र नीति के अनुसार विद्या के 32 प्रभेद होते हैं। विश्व में जितनी विद्याएं हैं सबका अंतर्भाव 32 में हो जाता है शुक्र नीति के अनुसार, जितनी कलाएं हैं उनका अंतर्भाव 64 में हो जाता है, विद्या के 32 प्रभेद और कला के 64 प्रभेद। विद्या और कला में भेद भी दिखाया गया, वाणी की प्रधानता से जिसकी निष्पत्ति हो उसका नाम विद्या है, मूक व्यक्ति भी जिसका
संपादन कर सके, क्रियान्वयन कर सके, उसका नाम कला है। गूंगे के द्वारा भी जिस कार्य की सिद्धि हो सके, जिसको कृति आप कह रहे थे, उसका नाम कला है। और विद्या जो होती है वाक, वाणी की प्रधानता से, वाणी की प्रधानता से विद्या होती है। और गूंगा व्यक्ति, मुख व्यक्ति भी जिस कार्य का संपादन कर सकता है, उसका नाम कला है। तो कला के 64 प्रभेद, विद्या के 32 प्रभेद। लेकिन अब परिस्थिति यह है कि शिक्षण संस्थानों के माध्यम से व्यक्ति किस प्रकार तैयार किया जाता है, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत, इसके ठीक विपरीत। हर व्यक्ति बिकने के लिए तैयार किया जाता है, अपने जीवन को बाजार का सौदा बनाने के लिए हर व्यक्ति निर्मित होता है। बच्चों को तो पता नहीं, माता पिता जो विद्यालय में भेजते हैं, इसकी पढ़ाई पर 50 लाख खर्च होगा, कल्पना करो 15 लाख खर्च होगा, तो कितने में ये बिक सकेगा, नौकरी कर सकेगा? इसका मतलब पूरे देश को व्यापार तंत्र में ढाल दिया गया ना, दिशाहीन व्यापार तंत्र में ढाल दिया गया। इसलिए राज्यम पर्ण्यम न कारयेत, यह जो सिद्धांत था, इसका सर्वथा अपनोदन हो गया। हमने एक संकेत किया तो बहुत विचित्र तथ्य है, आज जो विसंगतियाँ आ रही हैं, अधिक प्रकाश न डाल करके आज भी मैंने कहा था, विसंगतियाँ हजारों हों लाखों हों, लेकिन मूल में एक चीज़ है, व्यासपीठ की दिशाहीनता और शासन तंत्र की दिशाहीनता, और एक दूसरे के पूरक होते हैं। राजगद्दी और गुरुगद्दी एक दूसरे के पूरक हैं। कभी कभी व्यासपीठ का शोधन शासन तंत्र के द्वारा भी हुआ है। इसका उदाहरण मैं देता हूँ उपनिषदों के आधार पर। देवराज इंद्र, ब्रह्मसूत्र में भी चर्चा है, देवराज इंद्र अर्थवाद है वहाँ पर, ने उन सन्यासियों को भेड़िए से खवा दिया। तो गोरे चट्टे बहुत अच्छे मोटे थे, युवावस्था में धर्म कर्म का त्याग करके, माता पिता की सेवा का त्याग करके, विरक्त न होने पर भी सन्यासी होकर घूम रहे थे। वहाँ ब्रह्म विद्या का महात्म्य दिया गया। इंद्र ने कहा, प्रतर्दनोपाख्यान, इंद्र ने कहा कि मेरे बाल बांके नहीं हुए, मैंने ऐसा भी किया। लेकिन एक ध्वनि तो होता है, व्यास पीठ में जब विकृति आवे तो शासन तंत्र उस विकृति का निवारण करे, जैसे कि देवराज इंद्र ने किया। जो संन्यास पथ पर चलने योग्य नहीं थे, धन मान के लिए ही उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था, अरुणमुख, वहाँ शब्द भी बड़ा विचित्र है। हृदय की बात तो छोड़ दीजिए, जिनकी वाणी पर भी वेदांत का वाक्य, वेद का वाक्य नहीं था, केवल धन मान भंडारे और दक्षिणा की चर्चा में ही रमे रहते थे, ऐसे संतों को भेड़िए से खवा दिया देवराज इंद्र ने, उनका बाल बांका नहीं हुआ। एक तथ्य ध्वनित होता है कि व्यासपीठ में विकृति आवे तो शासन तंत्र का यह दायित्व है कि दंड जागरूक रखकर उनका भी शोधन करे। महाभारत के शांति पर्व में आया है, कितने सन्यासी ऐसे हो सकते हैं जिनका जीवन स्वतः संयमित हो राजदंड के बिना ही? अगर सन्यासी को भी सन्मार्ग पर ले जाना है तो राजा का दंड, राजदंड जागरूक होना चाहिए। दंड के बल पर व्यक्ति धर्म का पालन करता है, विवेक के बल पर धर्म का पालन करने वाले करोड़ों में एक दो होते हैं। इसलिए राजदंड जागरूक होना चाहिए। जब राजदंड जागरूक होता है तब व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल पाते हैं। तो हमने एक संकेत किया, सारी विकृतियाँ हैं। दूसरी ओर व्यासपीठ का यह दायित्व है कि शासन तंत्र में विकृति आवे तो उसका शोधन करे। आज हमने उदाहरण दिया था, देवर्षि नारद ने शोधन किया प्रहलाद को आगे करके, हिरण्यकश्यपु के शासन तंत्र को
दिशा इन शासन तन को छिन्न कर दिया, या व्यासपीठ की देन थी। भृगु जी ने पृथ्वी जी को आगे करके दिशा इन शासन तन का शोधन किया। विश्वामित्र जी ने, वशिष्ठ जी ने राम जी को आगे करके दिशा इन शासन तन का शोधन किया। व्यास जी ने कृष्ण भगवान को आगे करके पहले तो प्रकट किया, फिर आगे करके कंस और दुर्योधन के दिशाहीन शासन तंत्र का शोधन किया। धौम्य जी ने पांडवों को आगे करके दुर्योधन के दिशाहीन शासन तंत्र का शोधन किया। कुमारिल भट्टपाद और शंकराचार्य महाभाग ने सुधन्वा को आगे करके शासन तंत्र का शोधन किया। बौद्ध सम्राट सुधन्वा का हृदय ही बदल दिया, उन्हें वैदिक सम्राट के रूप में उद्भाषित किया। इसी प्रकार से हमारे चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त को आगे करके शासन तंत्र का शोधन किया। समर्थ रामदास जी ने शिवाजी को आगे करके शासन तंत्र का शोधन किया। मान्य मनीषियों के बीच में मैं चिंतन का एक विषय रख रहा हूँ, उस पर आप लोग चिंतन कीजिए। ये सब जितने दृष्टांत दिए गए शासन तंत्र के शोधन के लिए, व्यासपीठ के द्वारा शासन तंत्र का शोधन किस प्रकार हुआ, एक एक युग में उसका उदाहरण दिया गया। लेकिन आजकल लोकतांत्रिक युग है, प्रजातांत्रिक युग है, इस स्थिति में व्यासपीठ का शोधन कैसे हो और कौन करे, और शासन तंत्र का शोधन कैसे हो कौन करे, और दोनों का शोधन हो फिर दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य हो सद्भावपूर्ण संवाद के माध्यम से, और सैद्धांतिक सामंजस्य का क्रियान्वयन हो तब धर्मराज्य रामराज्य की स्थापना हो सकती है। वर्तमान में शासन तंत्र का शोधन बहुत आवश्यक है। व्यासपीठ गुरुगद्दी में भी दिशाहीनता की पराकाष्ठा है। क्यों? यह अंग्रेजों की कूटनीति है। कूटनीति क्या है कि परंपरा प्राप्त जो मनुवादी हैं, मनवादी धर्मशास्त्रों को मानने वाले हैं, व्यासपीठ को उनसे बचाओ, उनको उपेक्षा कर दो, संकीर्ण मनोवृत्ति वाला उनको सिद्ध कर दो। यही किया ना अंग्रेजों की कूटनीति पर आपका ध्यान गया। एक राजनेता को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, एक राजनेता को उन्होंने धार्मिक मनीषी के रूप में ख्यापित किया। एक थे जवाहरलाल नेहरू जी, एक थे गांधी जी। उसके बाद विनोबा जी आध्यात्मिक मनीषी के रूप में ख्यापित कर दिए गए। उसके बाद आजकल दलाई लामा जी अघोषित आध्यात्मिक मनीषी भारत के हैं। जितने भी राजनीतिक दल हैं वो तो दलाई लामा जी को ही भारत का आध्यात्मिक पुरुष मानते हैं, मनीषी मानते हैं, मार्गदर्शक मानते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि मनवाद शास्त्रों की परंपरा से कोई आचार्य भारत में शेष न रह जाए। अंग्रेजों की कूटनीति, अपने यहाँ उन्होंने राजतंत्र को सुरक्षित रखा है। एक बहुत ऊंची बात है, प्रकाश जी ध्यान दो, वैकल्पिक राजतंत्र को भी स्थिर स्थायी रूप देना अंग्रेजों का हमारी अनुकृति है। उनके यहाँ तो वर्ण व्यवस्था लुप्त है। सनकैस्तु क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शने न च, भारत की सीमा का अतिक्रमण करके व्यापार युद्ध आदि के प्रसंग में जो अन्य देशों में जाकर बस गए, ब्राह्मणों का अदर्शन हो गया, संपर्क टूट गया, आचरण में शिथिलता आ गई, तो म्लेच्छ प्राय हो गए, म्लेच्छ ही हो गए। उनकी लाचारी है कि वो वैकल्पिक वर्ण व्यवस्था से काम लें। वैकल्पिक वर्ण व्यवस्था उनके लिए है, और कोई व्यवस्था संभव ही नहीं है। वर्ण संकरता आ गई। लेकिन हमारे यहाँ जो परंपरा है तो एक ध्यान देना चाहिए कि वैकल्पिक राजतंत्र को भी स्थिर रूप दिया है अंग्रेजों ने। क्षत्रियों की परंपरा में तो शासन पद्धति उनका है ही नहीं, वर्ण संकरता है आरंभ से। लेकिन एलिजाबेथ को विक्टोरिया से भी अधिक समय से शासक बना के रखा है या नहीं? अपने यहाँ किसी न किसी अंश में राज इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने राजतंत्र को सुरक्षित रखा। हमारे यहाँ 70 वर्ष पहले तोड़ दिया। अंग्रेजों की इस कूटनीति पर ध्यान जाता है क्या? अपने यहाँ
पोप जी को सुरक्षित रखा है और हमारे यहाँ शंकराचार्य की परंपरा विलुप्त तो हो जाए 70 वर्ष पहले षड्यंत्र कर दिया, इसलिए सबको डर किस से है उधर ध्यान देना चाहिए। हनुमान जी का नाम सुन करके जैसे भूत प्रेत पिशाच भागने लगते हैं, एक सच्ची घटना है। ऋषिकेश में दर्शन महाविद्यालय के संस्थापक राघवाचार्य श्री रामानुज संप्रदाय के, उनकी मातृभाषा ही संस्कृत थी, हमको बहुत लाड प्यार देते थे। उन्होंने एक दिन संस्मरण सुनाया, हम ऋषिकेश में जहाँ रहते थे मोक्षाश्रम में, 66 की बात हो सकती है, वहाँ एक आत्मानंद महापुरुष थे, उनसे वो मिलने आए। उनको रमण रेती में दर्शन महाविद्यालय में जाना था, बातचीत करते करते सूर्यास्त हो गया, जा रहे थे, इतने में कोई व्यक्ति उनके साथ लग गया, बातचीत शुरू हो गई। वो व्यक्ति उनका मित्र था, बातचीत करते करते ध्यान आया ये तो 5 साल पहले मर चुका था, हमारे साथ चल रहा है। तो थोड़ा संकुचित, उन्होंने कहा कि इतनी कृपा मत कीजिए, हम चले जाएंगे। उन्होंने कहा ना, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, अपने स्थान तक आपको पहुंचा के ही हम जाएंगे, आप हमारे मित्र ठहरे। अब और सोचा कि अब क्या करें, उन्होंने कहा आप इतना कष्ट मत कीजिए, हनुमान जी मेरे साथ। नाम सुनते ही वो मित्र जो था प्रेत अदर्शन अदृश्य हो गया। तो जैसे हनुमान जी का नाम सुनते ही भूत प्रेत विलुप्त हो जाते हैं, ऐसे पूरे विश्व को किससे खतरा है, मोटी भाषा में कह रहा हूँ, मनुवाद से। अगर सचमुच में भारत में, नेपाल में, भूटान में कम 3 देशों में सही सनातन वर्ण व्यवस्था उज्जीवित रही तो हमारी दाल नहीं गलेगी। 1000 घंटे तक विचार विमर्श कीजिए, इतनी सामग्री गुरुओं की कृपा से मेरे पास है, सारी विसंगतियाँ जो आई हैं मनुस्मृति आदि को छोड़ देने के कारण आई हैं, इसलिए हमने संकेत किया। क्या संकेत किया, विश्व में जितनी समस्याएं हैं उन सब का समाधान है सनातन वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। एक बहुत अच्छी घटना घटी अभी, कोसी में था, मथुरा जिला उत्तर प्रदेश में, कुछ दिन पहले एक ने पहले कहा कि चातुर्वर्ण्यम वाली बात गुणकर्म विभाग सा, बहुत अच्छा प्रश्न किया किसी ने विचार गोष्ठी में कि कर्म के अनुसार वर्ण या वर्ण के अनुसार कर्म। तो हमने उससे कहा कि सुनो, पहले सिर का जन्म हुआ या सिर के कर्म का जन्म हुआ ये बताओ, पहले हाथ का जन्म हुआ या हाथ के कर्म का जन्म हुआ, पहले मनुष्य का जन्म हुआ या मनुष्य के कर्म का जन्म हुआ। और नैयायिकों वैशेषिकों की शैली में हम कहें तो जो भी कार्य द्रव्य होता है अपना अस्तित्व लाभ करता है तब तो गुण और क्रिया का आश्रय बन सकता है। जितने कार्य द्रव्य होते हैं क्षण भर निर्गुण और निष्क्रिय रहते हैं या नहीं, क्योंकि अपना अस्तित्व लाभ करेंगे तब तो गुण और क्रिया के आश्रय बन सकते हैं। तो पहले मनुष्य का शरीर होता है, मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तब मानवोचित कर्म की प्राप्ति होती है ये, या पहले कर्म की प्राप्ति होती है तब मनुष्य शरीर मिलता है। इसलिए पूर्व कर्मानुरूप जन्म होता है, ये सनातन सिद्धांत को वर्ण व्यवस्था को समझने के लिए 2 वाक्य ही पर्याप्त है। पूर्व कर्मानुरूप, वो भी देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जिस प्रकार की वासना जिस प्रकार के भाव का उदय होता है तद अनुरूप शरीर प्राप्त होता है, पूर्व कर्मानुरूप वर्ण की प्राप्ति होती है, और वर्ण गर्भित आश्रम की प्राप्ति होती है, वर्णाश्रम गर्भित कर्म की प्राप्ति होती है। यह नियम है, 2 वाक्य में सनातन धर्म को समझा जा सकता है, सनातन वर्ण व्यवस्था को समझ सकते हैं, आश्रम व्यवस्था को समझ सकते हैं। पूर्व कर्मानुरूप यह जन्म हुआ है, और जन्म से नियंत्रित वर्ण व्यवस्था है, वर्ण जन्म से नियंत्रित, नहीं तो जाति शब्द की सिद्धि नहीं होगी। अब वर्ण से नियंत्रित आश्रम व्यवस्था है, हमारे पास जितने सनातन शास्त्रों में वचन हो सकते हैं संन्यास को लेकर सब एक जगह संकलित हैं। ब्राह्मण का अधिकार 4 आश्रमों में है, इसका अर्थ क्या हुआ, पूरा जीवन ब्राह्मणों का त्यागमय तपोमय रहना चाहिए। गुरुकुल में आधुनिक शिक्षा पद्धति नहीं,
गुरुकुल ऋषिकुल में विद्यार्थी जीवन में भोग राग का कोई प्रश्न ही नहीं, भिक्षावृत्ति वो भी गुरु दे दें तो, वानप्रस्थ आश्रम में भोग राग का कोई प्रश्न ही नहीं, संन्यास आश्रम में कोई भोग राग का प्रश्न ही नहीं। अब जब ब्राह्मण गृहस्थाश्रम में होते थे, अमुक अमुक तिथि अष्टमी इत्यादि, पत्नी के स्पर्श का भी कुछ नियम था या नहीं, पूरा जीवन त्यागमय तपोमय। प्रशांत जी ने एक वाक्य कहा, भारती कृष्ण त्रिजी महाभाग जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, उनका एक ग्रंथ अंग्रेजी में सनातन धर्म, हिंदी अनुवाद भी यहाँ पर भी है और अंग्रेजी मूल में भी है, उसमें उन्होंने लिखा कि ब्राह्मणों का मुख्य दायित्व क्या है, कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को अद्भुत मेधा शक्ति के बल पर उद्भासित करना और कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना। भगवत पाद शंकराचार्य जी ने दोनों काम किया, मत्स्य पुराण इत्यादि पर ये मन्वंतर होता है, पूर्व विद्या तो सब लुप्त हो जाती है ना, मन्वंतर में फिर विद्या की अभिव्यक्ति कहाँ से होती है, तो महर्षि रितंभरा प्रज्ञा प्राप्त करते हैं समाधि दशा में, और फिर वो लुप्त जो ज्ञान विज्ञान है उसको उद्भासित करते हैं, क्योंकि हिरण्यगर्भ जैसे कहते हैं ना, अमुक ग्रंथागार में सब पुस्तकें हैं, हिरण्यगर्भ जो हैं सूर्य भगवान हिरण्यगर्भ आदित्य मंडल में समग्र वेद और वैदिक वाङ्मय सन्निहित रहते हैं आदित्य मंडल में, तो मर्त्य लोक में जो ज्ञान विज्ञान विलुप्त हो जाते हैं वो भी विलुप्त होकर आदित्य मंडल में विद्यमान रहते हैं। तो रितंभरा प्रज्ञा प्राप्त जो महानुभाव होते हैं समाधि दशा में, वो लुप्त ज्ञान विज्ञान को भी प्राप्त कर लेते हैं, फिर वो महर्षियों के द्वारा ही मर्त्य लोक में विलुप्त ज्ञान विज्ञान पुनः उद्भासित होते हैं, और कालक्रम से जो विकृत विज्ञान बौद्ध इत्यादि के द्वारा उसका भी मार्जन महात्मा लोग करते हैं। तो हमने एक संकेत किया कि इसका उत्तर फिर क्या होगा, पहले हाथ ही हाथ का कर्म, अच्छा पशु के बच्चे उत्पन्न हो, गाय का बछड़ा उत्पन्न हो, वो तो 10 मिनट के बाद क्या उछलने कूदने लग जाए, लेकिन मनुष्य के बच्चे को तो हाथ तो हैं पाँव तो हैं, लेकिन हाथ पाँव के कर्म की अभिव्यक्ति प्रशिक्षण के द्वारा और धीरे धीरे हाथ पाँव के विकास के द्वारा होती है, तो कर्म पहले या जन्म, अरे हाथ का जन्म होगा तब तो हाथ का कर्म होगा ना, अकाट्य सिद्धांत है। इसलिए और सबसे पहली बात है, ये विद्वानों के लिए जानने योग्य है, उद्देश्य और विधेय में व्यत्यास हो जाए तो वैयाकरणों की दृष्टि से कितना बड़ा अनर्गल प्रलाप होगा। 8 वर्ष के ब्राह्मण का यज्ञोपवीत होना चाहिए, श्रुति कहती है, स्मृतियां कहती हैं। अब जो आर्य समाजी सज्जन हैं वो क्या करेंगे जी, जिसके गले में शरीर में 8 वर्ष की आयु में जनेऊ डाल दिया जाए वो ब्राह्मण हो गया ना, उद्देश्य और विधेय में जो पहले से ही ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है उसका यज्ञोपवीत 8 वर्ष की आयु में हो, क्षत्रिय है तो 11 वर्ष की आयु में हो, वैश्य है तो 12 वर्ष की आयु में हो। अब इस श्रुति को, इस वचन को आर्य समाजी कैसे लेंगे, जिसके जिसका जनेऊ 8 वर्ष की आयु में कर दिया जाए वो ब्राह्मण, उद्देश्य और विधेय बदल गया या नहीं, इसलिए उन लोगों का फिर वंश परंपरा कैसे चलेगी। और बहुत ऊंची बात हमारे मिश्र जी ने बताया, गीता में देखिए 2 चिंता, गीता के 3rd और 4th अध्याय का अनुशीलन कीजिए, तो भगवान श्री कृष्ण को कर्म संकरता न फैल जाए मेरे कारण इसकी चिंता है, और 1st अध्याय का अनुशीलन कीजिए तो अर्जुन को चिंता है संभावित विश्व युद्ध के गर्भ से वर्ण संकरता की अभिव्यक्ति न हो जाए, एक को वर्ण संकरता को लेकर चिंता है, दूसरे को कर्म संकरता को लेकर चिंता है, तो समग्र गीता का अनुशीलन कीजिए तो विकास आजकल किसको कहते हैं, वर्ण संकरता कर्म संकरता की पराकाष्ठा का नाम आजकल विकास है, और हमारे यहाँ पतन की पराकाष्ठा का नाम क्या, हमारे यहाँ पतन की पराकाष्ठा है वर्ण संकरता कर्म संकरता। उसमें भी एक आप अर्थशास्त्र पर ज्यादा विचार करते हैं, सुनिए, कदाचित अज्ञतावश परिस्थितिवश, समझ गए, अनास्थावश, वो जो धर्म दर्शन में हमने 3 शब्द दिया,
अज्ञता परिस्थिति अनास्था वश। और चौथा हेतु क्या है? काम की प्रगल्भता वश। वर्ण संकरता के हेतु कितने हैं जी? अनास्था, हम जाति पाति नहीं मानते आजकल, अनास्था वश, परिस्थिति वश, इधर ध्यान नहीं जा रहा विश्व का, भारत का। गांधी जी आदि की कृपा से, व्यंग्यार्थ है, देश का विभाजन हुआ। अब जो पाकिस्तान आदि छोड़ करके भारत में आए वो तो पूरे भारत में क्या हो गए? बिखर गए। अब उनके सामने बेटी भी बड़ी हो गई, बेटे भी बड़े हो गए, विवाह की समस्या थी, सब माँ बाप तो नहीं बन सकते थे। वहाँ पर उनकी परिस्थिति ऐसी थी कि वर्णगत मर्यादा का त्याग करके, गोत्रगत मर्यादा का त्याग करके विवाह करते। गांधी जी आदि के षड्यंत्र के कारण जो देश का विभाजन हुआ, उसकी सबसे बड़ी विभीषिका मार भारत को ये पड़ी कि वर्ण संकरता से देश पट गया। अब पंजाब में मैं जाता हूँ, 99% विवाह तो वर्ण व्यवस्था के बिना ही, वहाँ तो संस्कार लुप्त हो गया। अब समझ गए ना, ये परिस्थिति वश वर्ण संकरता उत्पन्न हुई। तो राजाओं का, शासकों का, नेताओं का यह दायित्व होता है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न मत करो कि लोग वर्ण संकर हो जाएं। वर्ण संकरता हुई देश, देश के विभाजन के गर्भ से सबसे बड़ी विसंगति यह निकली कि वर्ण संकरता भारत में फैल गई। अब वो जो अंध परंपरा संस्कृति बन गई, अंध परंपरा शब्द का प्रयोग भागवत में है, अंध परंपरा, परिस्थिति वश बाद में वो प्रथा बन गई। तो हमने संकेत किया सज्जनों, अब हमारे यहाँ अर्थ नीति देखिए, कदाचित परिस्थितिवश वेदादि शास्त्रों में अनास्थावश अज्ञानवश, मुझे तो कहने में ही संकोच है, या शंकराचार्य की गद्दी कितने वर्ष चलेगी? समस्या तो मेरे सामने यह है, जो कुछ न्यायालय ने निर्णय दिया सब ओर से चोट तो मुझ पे पड़ रही है ना, सब ओर से आ रहे हैं लोग, वहाँ जा रहे, वहाँ जा रहे, पूरी यहाँ यहाँ सब ओर से मुझ पर मार पड़ रही है। धीरे धीरे पता यह चल रहा है कि संभावित और प्राप्त परिस्थिति में बने हुए ब्राह्मण लोग हो गए इन गद्दियों पर, अब उसका क्या कीजिएगा? समझ गए? हाँ, ब्राह्मण नहीं है और आगे भी ऐसी परिस्थिति है। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है कि ये ब्राह्मण का ही संन्यास में अधिकार है, क्षत्रियादि का नहीं। शंकराचार्य ने स्पष्ट निर्देश किया, सुरेश्वराचार्य ने कहा कि चूंकि बृहदारण्यक भाष्यवार्तिक, सुरेश्वराचार्य ने कहा क्योंकि यज्ञोपवीत में, यज्ञ में अधिकृत हैं यज्ञोपवीत धारी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे तीनों यज्ञों पवित्र और मांत्रिक यज्ञ में अधिकृत हैं, तो संन्यास में भी अधिकृत हैं। तो नीलकंठ जी ने गीता टीका चौथा अध्याय और मधुसूदन सरस्वती जी ने मान्य सुरेश्वराचार्य के पक्ष का बहुत अच्छा निराकरण किया है। उन्होंने कहा यह आवश्यक नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे तीनों जिस कर्म में अधिकृत हैं, सभी कर्म में अधिकृत हैं, ऐसा नहीं। राजसी याग अगर आपको करना है तो क्षत्रिय वैश्य अधिकृत नहीं है, सामान्य यज्ञ का संपादन करना है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मांत्रिक यज्ञ में तीनों अधिकृत हैं, राजसी याग करना है तब उसमें राजा क्षत्रिय ही अधिकृत होते हैं, वैश्यस्तोम करना है तो दुजाति होने पर भी, यज्ञों पर भी संपन्न होने पर भी वैश्यस्तोम में क्षत्रिय और ब्राह्मण अधिकृत नहीं है, बृहस्पत सब करना है तो उसमें क्षत्रिय और वैश्य भी अधिकृत नहीं है, रथकारेष्टि रूढ़ी और योग्य, रूढ़ार्थ अयोगिक अर्थ, समुदाय प्रसिद्ध अर्थ और एक होता अवयव प्रसिद्ध को लेकर अर्थ। तो वहाँ पर प्रश्न चला रथकारेष्टि में कौन अधिकृत हो, तो पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ चूँकि रथकार जो होते हैं तक्षा बढ़ई वो तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं होते, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होता हुआ जो रथादि बनाता हो उसको ले लिया जाए। तो वहाँ कहा गया रूढ़ार्थ प्रबल होता है तो विधि बलात् उसी याग में वो रथकार क्या है अधिकृत हैं, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी अधिकृत नहीं होते।
श्रौत याग में कुछ ऐसे मंत्र होते हैं पंडित जी, जिनका उच्चारण ब्राह्मण पत्नी या यजमान की पत्नी, यजमान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनके उनकी पत्नी उन मंत्रों का उच्चारण करेगी। तो वहाँ पर विधि बलात् उन मंत्रों में यजमान की पत्नी भी अधिकृत है उस समय। तो एक विचित्र बात है, मान लिया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही यज्ञ में अधिकृत हैं, लेकिन विशेष विशेष कर्म में कहीं ब्राह्मण ही अधिकृत है, कहीं क्षत्रिय ही, कहीं वैश्य ही। बहुत अच्छा है, 5-7 मिनट और कहें, थोड़ा विचार कीजिए। बृहदारण्यक उपनिषद का प्रारंभ जो होता है वो धारणा के आधार पर, जो अश्वमेध याग है, वहाँ भाष्यकार भगवान ने आनंद गिरी जी ने क्या लिखा, जो अश्वमेध में अधिकृत नहीं है, ब्राह्मण भी अश्वमेध में अधिकृत नहीं है, सामान्य नियम है। अगर परशुराम जी ने अश्वमेध किया ब्राह्मण होते हुए, अंतर्निहित चरु के बल पर, जो छात्र तेज था उसके बल पर किया, स्वतः आनंद गिरि जी ने लिखा ब्राह्मण भी अश्वमेध में अधिकृत नहीं, वैसे भी अधिकृत नहीं। लेकिन एक बहुत ऊंची बात है, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 45वां 46वां श्लोक पढ़िए, स्वे स्वे कर्मणि कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। हम सन्यासी हैं, अग्निस्पर्श नहीं करते। अब यहाँ प्रसाद को बन रहा है भोजन, अब हमको वंचित कर दिया जाएगा क्या भोजन से? बल्कि सबसे पहले हमारे यहाँ आएगा, इसका मतलब फल चौरी तो अपने यहाँ है नहीं। तो यहाँ पर सिद्ध हुआ कि ब्राह्मण का ही संन्यास में अधिकार है। अब चारों आश्रमों में जब ब्राह्मण अधिकृत हैं, काल विशेष तक, वो सब व्यापक विषय है, तो ब्राह्मणों का जीवन तो जैसा होना चाहिए। अब बहुत ऊंची बात है, गर्भपात और परिवार नियोजन की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं? ब्राह्मण की संख्या जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती। 3 आश्रम तो विरक्त आश्रम एक प्रकार से है, भोगराग से दूर है। चौथे आश्रम में माने चौथा आश्रम का ही अर्थ हुआ गृहस्थाश्रम। यहाँ पर गृहस्थाश्रम में इतने विधि निषेध हैं कि ब्राह्मणों की संख्या जितनी होनी चाहिए विश्व में, अधिक नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, उतनी स्वाभाविक रूप से होगी। एक विशेष बात, गर्भपात की आवश्यकता नहीं, मरवा दो मार दो ये भी आवश्यकता नहीं, परिवार नियोजन की आवश्यकता नहीं। क्षत्रियों को कहा गया संन्यास आश्रम से दूर रहिए। अगर आप भी सन्यासी होंगे तो रक्षा की व्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी। वीर संन्यास अलग बात है, वेश संन्यास से निषेध। वैश्यों को कहा गया वानप्रस्थ संन्यास में आप अधिकृत नहीं। अगर आप भी वानप्रस्थी होने लगेंगे, सन्यासी होने लगेंगे, तो कृषि गौरक्ष वाणिज्य के ऊपर निर्भर करती है अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी। और शूद्रों से कहा गया अगर आप भी गुरुकुल वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का दरवाजा खटखटाएंगे तो सेवा और उद्योग के प्रकल्प संतुलित नहीं रहेंगे। परंपरा प्राप्त कला को विकसित कीजिए और गृहस्थाश्रम मात्र में आप अधिकृत हैं, तो जितनी संख्या शूद्रों की होनी चाहिए उतनी होगी, और जितनी संख्या वैश्यों की होनी चाहिए उतनी ही होगी। जितनी धर्मयुद्ध अभिमन्यु का विवाह तो केवल 7 महीने पहले हुआ था, पत्नी ने कहा वो तो मालूम है, अभिमन्यु का विवाह पूरा महाभारत तैयार है। अभिमन्यु जितनी बात हमको कहनी होती उतनी कहते, जितनी नहीं कहनी होती नहीं कहते। अभिमन्यु का विवाह तो कुल 7 महीने पहले हुआ था, उत्तरा ने रोक दिया युद्ध में मत जाइए, बल्कि रुकते कि 7 महीने तो हुए हैं विवाह के, तब पत्नी कहती कैसे क्षत्रिय आप, तो धर्मयुद्ध कदाचित ब्राह्मण भी चुनौती दे दे युद्ध की, तो भीष्म जी जैसे अपने गुरु परशुराम जी से भिड़ गए। तो छात्र धर्म के कारण धर्मयुद्ध हर समय सर पे लटकता रहता, तो हमने एक संकेत किया। तो आर्थिक दृष्टि से भी विचार करें तो समुन्नत जीवन वर्णाश्रम व्यवस्था के द्वारा, कर्म संकरता की बात में कह रहा था, बहुत ऊंची चीज है, कदाचित अज्ञानवश कई जगह होता है, परिस्थितिवश विभाजन, अनास्थावश और काम के उद्रेकवश वर्ण संकर संतान हो भी जाए
तो कर्म संकरता मत बढ़ने दीजिए। वर्ण संकर संतानों की भी परंपरा प्राप्त जीविका है या नहीं, जो भी हैं बड़े क्या करेंगे, लोहार क्या करेंगे, ये सब क्या करेंगे, है या जुलाह क्या करेंगे, हैं तो ये सब। वर्ण संकरता कदाचित इन परिस्थितियों के कारण हो भी जाए, विशेषकर अज्ञान के कारण, परिस्थिति के कारण, काम का उद्रेक, इन सब के कारण कर्म संकरता आ भी जाए, माने वर्ण संकरता आ भी जाए, तो अभी वर्णगत कर्म संकरता मत फैलने दीजिए, वहाँ भी जीविका जम से सुरक्षित रहे। इतना गंभीर हम लोगों का शास्त्र है। और एक बहुत बढ़िया श्रीमद् भागवत में वर्णन व्यवस्था का विशेष रूप से वर्णन सप्तम स्कंद और एकादश स्कंद में है। श्रीधर स्वामी ने वहाँ एक चमत्कारपूर्ण तथ्य उद्घोषित किया। श्रीमद् भागवत की टीका श्रीधरी पूरी पीठ की देन है। श्रीधर स्वामी जो थे पूरी पीठ के सन्यासी थे, उड़ीसा के थे, उनकी जन्मभूमि के पास भी हम गए हैं, पूरी पीठ के ही सन्यासी थे, यहाँ गोमठ में रहते थे। तो श्रीमद् भागवत पर जो टीका है श्रीधरी बहुत प्रसिद्ध है, चैतन्य महाप्रभु भी उसी को प्रमाण मानते थे, वो पूरी पीठ की ही देन है, पूरी पीठ की देन है। तो हमने एक संकेत किया, एक बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, मैं एक वाक्य बोलता हूँ, वैयाकरणों के यहाँ दृष्टिकोण अलग है, कुछ मैं दूसरे ढंग से बोल रहा हूँ। अपवाद स्थल अधिक हो जाने पर भी वस्तु के लक्षण में परिवर्तन नहीं होता, श्रीधर स्वामी का वचन। उदाहरण देता हूँ, जल जब बरसता है, बरसता हुआ जो जल है उसका जो रूप है स्वतः शुभ्र श्वेत और स्वाद है मधुर, वस्तुतः जल का वही वास्तव रूप है या नहीं। लेकिन क्षार सिंधु से वेष्टित जो भूभाग है उसमें खारे पानी की अधिकता है या मीठे पानी की, खारे पानी की अधिकता है या नहीं। तो अपवाद स्थल अधिक हो जाने पर भी नियम में परिवर्तन नहीं होता, लक्षण में परिवर्तन नहीं होता। श्रीधर स्वामी ने एक दृष्टिकोण दिया, बहुत अच्छा दृष्टिकोण। अपवाद स्थल, विशेषकर आप जाइए वृंदावन, एक विचित्र बात है, भगवान की चमत्कृति, क्षार सिंधु के तट पर हम लोग रहते हैं पुरी में, जितना कुआं है सबका जल मीठा, और यमुना के तट पर वृंदावन में रहते हैं, जितने कुएं हैं प्रायः सबके जल खारे, मीठे जल के पास खारा जल और खारे जल के पास मीठा जल, एक विचित्र बात क्या। समुद्र के तट पर पुरी में जितने कुएं खोदें, जलाशय हो तालाब हो, सबका जल मीठा निकलेगा, और यमुना जी के तट पर वृंदावन में जितने कुएं सबका जल प्रायः खाया निकलेगा। तो प्रश्न उठाया श्रीधर स्वामी ने, अपवाद स्थल अधिक हो गया ना, खारे जल की अधिकता होने पर, विपुलता होने पर भी क्या जल का लक्षण बदल गया। जल का लक्षण तो वही कहा जाएगा ना, क्या जो मधुर हो स्वाद की दृष्टि से, शुभ्र हो, द्रवता युक्त हो, यह सब यह है ना। अब यह जो है नीलमणि मोती, ये सब तो जल के परिणाम है, स्फटिक, कोई कल्पना कर सकता है कि जल के ये परिणाम है, एकदम ठोस, द्रवता इनमें है ही नहीं। क्या नीलमणि में कहाँ द्रवता है, स्फटिक में कहाँ द्रवता है, मोती में कहाँ द्रवता है, तो जल के ये परिणाम है, जल का ही परिणाम पृथ्वी भी है, इसमें में कहाँ द्रवता है। लेकिन अपवाद स्थल अधिक हो जाने पर भी नियम में परिवर्तन नहीं होता, कभी कभी ब्राह्मण होने पर भी ब्राह्मणोचित शील, अगर सचमुच में जन्म में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन ब्राह्मण ही है सचमुच में, लेकिन स्वभाव को लेकर कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ता है। वसुदेव जी बहुत सीधे साधे, कितने युद्ध किए सबका वर्णन ही नहीं है श्रीमद् भागवत में, लेकिन क्या उनको क्षत्रिय नहीं कहा जाता, क्षत्रिय ही थे, कथा थोड़े वो कहते थे वसुदेव जी। क्षत्रिय से व्यक्ति शिक्षा ले सकते हैं, धर्म व्यास से भी शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन व्यास गद्दी पर परंपरा से तो ब्राह्मण ही अधिकृत होते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। अगर परिवर्तन होता है तो अंतर्निहित आर्य समाज,
आधा तीतर आधा वटेर की कहावत चरितार्थ है। तो हमने एक संकेत किया, अपवाद स्थल अधिक हो जाने पर भी वस्तुतः लक्षण में व्यत्यास की प्राप्ति नहीं होती। तो हर दृष्टि से विचार करें, अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी, जनसंख्या की दृष्टि से भी, सनातन वर्णम व्यवस्था आश्रम व्यवस्था से बढ़कर और कुछ नहीं। और एक विचित्र बात है जो मैंने पहले कह दी, जिनके यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की परंपरा ही विलुप्त है, सबके सब वर्ण संकर ही हो गए, उनके यहाँ भी क्या है जी, वैकल्पिक व्यवस्था को स्थायी रूप दिया गया है। जैसे अंग्रेज इंग्लैंड में शासन तंत्र को स्थायी रूप दिया गया है, राज परंपरा वैकल्पिक होने पर भी स्थिर। एक वाक्य और भी कह देना उचित समझते हैं, कभी कभी वैकल्पिक का बहुत अच्छा उपयोग होता है। जैसे सोमलता जहाँ सुलभ नहीं है तो पूतिका, अब आप भारत में सोमलता बहुत हो रही है मालूम है, सोमलता की सोमयाग में सोमलता का उपयोग और विनियोग होता है, लेकिन सोमलता सुलभ ना हो तो वहाँ पर पूतिका से काम लेते हैं। लेकिन खानदानी क्षत्रिय हमारे दो ही थे, राम जी लक्ष्मण जी, बाकी देवता लोग बंदर भालू आदि के रूप में आए थे, सुग्रीव आदि के रूप में, वे वैकल्पिक क्षत्रिय युद्ध में विजयी हुए, लेकिन विजय श्री रामभद्र को दी। तो परंपरा प्राप्त क्षत्रिय के अनुगत होकर वैकल्पिक क्षत्रियों ने जो काम किया उसका तो अक्लिष्ट उपयोग हो गया, परंतु दो चार वाक्य सुन लो अब, ये सब अकाट्य युक्तियाँ हैं। हम कहते हैं शंकराचार्य का विकल्प निकाल के दिखा दो, हमने स्वामी जी का नाम रखा निर्विकल्प आनंद, आपको यहाँ वहाँ दिखाई पड़ते हैं क्या निर्विकल्प आनंद, सारा अभियान वही चलाते, कहीं नहीं कहते मैं कुछ जानता हूँ, कहीं ये नहीं बघाड़ते, सारा मठ में चलाता हूँ, हमारे पास तो समय नहीं है, हम दृष्टिकोण केवल देते, सारा जितना अभियान है पूरे राष्ट्र का, राष्ट्र के बाहर का, वही चलाते हैं। फिर एक टोली या टीम हमने बना दी है, उनका नाम रखा हमने निर्विकल्प आनंद, निर्विकल्प जानते हैं ना, विकल्प अल्टरनेटिव, ब्राह्मण का विकल्प लिखा दीजिए, क्या नाम है आपका, चंद्र विकास, विकास जी, विकास ही नाम ही अच्छा है, विकासांत नाम है, ब्राह्मण का विकल्प दिखा लीजिए आजकल अमेरिका ब्रिटेन आदि में या भारत में, ब्राह्मण के विकल्प कौन होंगे, ये मंत्री होंगे और कौन होंगे, शिक्षक होंगे, ये सब ने ब्राह्मणेतर होते हुए ब्राह्मण के विकल्प का निर्वाह करते हैं, इन्हीं से जो कार्य ब्राह्मण करते थे उनको खतरा है या नहीं, क्या शिक्षण तंत्र में विकृति के कारण कौन है, वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय का विकल्प दिखा दीजिए, पुलिस मिलिट्री, यही ना, यही सब कहेंगे ना, इन्हीं के कारण रक्षा विभाग को खतरा है नहीं, रक्षा तंत्र में जितनी विकृति है विश्व में वैकल्पिक क्षत्रिय होने के कारण। अच्छा, ये जितने उद्योगपति आजकल बनते हैं क्या, ये वैकल्पिक वैश्य हैं, वैकल्पिक वैश्य के कारण ही पूरे विश्व को आर्थिक दृष्टि से मार पड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ जब वैश्य होते थे तो हमारा विकल्प नहीं है ना, वैकल्पिक शूद्र कौन होंगे जी, मिशन के स्वयं सेवक, ये सब ने कौन, मिशन क्रिश्चियन मिशन आदि, ये शोषक हैं विश्व के या पोषक, और हमारा विकल्प आप कह दीजिए पोप हैं, शंकराचार्य के विकल्प पोप हैं, दलाई लामा जी हैं, इन्हीं से खतरा है या नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ, सनातन धर्म में ब्राह्मण का कोई विकल्प नहीं हो सकता, आप निकालेंगे उसी से विस्फोट हो जाएगा, क्षत्रिय का कोई विकल्प नहीं हो सकता, निकालेंगे उसी से विस्फोट हो जाएगा, वैश्य का कोई विकल्प नहीं हो सकता, निकालेंगे उसी से विस्फोट हो जाएगा, शूद्र का कोई विकल्प नहीं हो सकता, निकालेंगे उसी से विस्फोट हो जाएगा। अब हम अपनी बात समाप्त करके एक बात कहते हैं, डॉक्टर इब्राहिम से तो आप लोग परिचित होंगे, नारायण दत्त तिवारी जी के रक्त की बात आई कि अमुक उनका पुत्र है या नहीं, मचलने लगे, एक न्यायाधीश जो थी जज महिला थी उसने कहा ना या तो स्वीकार कीजिए कि मेरा बेटा है या रक्त देना पड़ेगा। अब जो न्यायालय में रक्त परीक्षण के द्वारा माता पिता और पुत्र के संबंध का आकलन होता है वो किसकी थ्योरी है जी, इब्राहिम की। इब्राहिम ने क्या कहा, जहाँ परंपरा से व्यक्ति दूषित हो गए, वर्ण संकर हो गए, अब वो तो उनके यहाँ कुछ विकल्प के अलावा है ही नहीं, हम उन देशों से, उन देशों के शासनों
से उन देशों के नागरिकों से अनुरोध करते हैं, जहाँ वर्ण संकरता नहीं छाई है वहाँ कृपा करके रक्त शुद्धि रहने दें, वर्ण संकरता को प्रश्रय न दें। इब्राहिम की थ्योरी है। ये घटना सुना देता हूँ। इब्राहिम का ध्यान इधर था ऐसे अपने बाग की ओर, एक बहुत बढ़िया पुष्प खिला हुआ था, विकसित था। उनके यहाँ एक सेविका थी, उससे कहा कि देखो मेरा ध्यान वो आकृष्ट किए हुए फूल जरा तोड़ के ले आओ। तोड़ के ले आ करके इब्राहिम के हाथ में दे दिया या फूल। उसने कहा ये तो मुरझा गया, वो सुंदरता इसकी कहाँ चली गई। नहीं नहीं जो आपने कहा तो वही देखिए ना, वहाँ वो फूल नहीं है ना, आपके हाथ में है। ये चमत्कार कैसे हो गया, एक कितने मिनट में? एक मिनट में। मैं रजस्वला हूँ, रजस्वला हूँ, मैंने छू दिया, इसकी दुर्दशा हो गई। पापर को देख लूँ, हजार को देख लूँ, सड़ जाए फूट जाए। इस घटना के बल पर इब्राहिम ने कहा कि वो हो, इतना चमत्कार है रक्त का, इतना चमत्कार है रक्त का। सनातन धर्मियों ने जो कुछ नियम निर्धारित किया है, दो चार वाक्य और सुन लें ताकि अजेय हो जाएं। वैचारिक धरातल पर कहाँ कोई सामने आता, हम अहंकार की बात नहीं करते। आज तक मैंने स्वप्न में भी किसी से नहीं कहा कि माँ के दूध पिया हो तो शास्त्रार्थ कर लो, दो अक्षर जानता हूँ, किसको मैं चुनौती दूँ? सब आत्मा स्वरूप हैं, किसको चुनौती दूँ? लेकिन कोई आ बैल तू मुझे मार, तो फिर दूसरी बात है। तो मैंने एक संकेत किया, एक वाक्य कवच के रूप में ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ जो विधि निषेध है वो उसका प्रयोजन क्या है? आजकल कहते हैं हमको इस कार्य से वंचित किया, हमको इस कार्य से वंचित किया, लाठी गोली चल जाए। जो दो प्रश्न हमसे किए गए एक साथ बम्बई में या दिल्ली में आकर के किया, ये जो शनि मंदिर महाराष्ट्र में महिलाओं को जाने से निषेध किया गया था, उसको लेकर एक चैनल वाले आ गए। कुछ भी हो सकता था उत्तर जो मैंने दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा समर्थन एक भी विरोध नहीं, सारी महिलाओं ने हमारा समर्थन किया, उस ढंग से उत्तर दिया गया, बहुत विचित्र बात है। तो मैं एक संकेत करता हूँ, थोड़ा सुनिए। विद्युत को लेकर जो विधि निषेध है, ये रागत द्वेष मूलक है या प्रयोगता लाभान्वित हो और हानि से बचे, इस आधार पर है। बिजली को लेकर बैड कंडक्ट गुड कंडक्ट गुड कंडक्ट, विद्युत को लेकर जो विधि निषेध की प्राप्ति की गई है, प्राप्ति है या नहीं? अमुक ढंग से छुए, अमुक ढंग से न छुए, अमुक ढंग से प्रयोग करे, अमुक ढंग से प्रयोग न करे, वो विधि निषेध जो है रागत द्वेष मूलक है या प्रयोगता लाभान्वित हो हानि से बच सके, इस दृष्टि से है। ठीक इसी प्रकार, ये लौकिक विज्ञान का मैंने उदाहरण दिया, ठीक इसी प्रकार हमारे यहाँ जो विधि निषेध है वो प्रयोगता लाभान्वित हो सके प्रयोग से और हानि के चपेट से बच सके। और एक विचित्र बात, श्री मिश्र जी का ध्यान गया ही होगा, आप तो दर्शन विभाग के अध्यक्ष हैं, भ्रांतिकार वाचस्पत मिश्र जी ने लिखा, विधि में श्राद्ध अधिकृत है, श्राद्ध माने श्रद्धालु, विधिसु विधि में श्राद्ध अधिकृत है, स्वर्ग कामो यजेत, आपको स्वर्ग चाहिए याग कीजिए, न चाहिए मत कीजिए। क्या पुत्र चाहिए पुत्रष्टी याग कीजिए, वर्षा चाहिए कारीरी याग कीजिए, विधि में श्राद्ध अधिकृत है, श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धालु। निषेध में आपकी श्रद्धा नहीं है ये नहीं, इतना बोलते सावधान, निषेध आज्ञा का उल्लंघन किया खतरा। लोक में भी, अमेरिका में राइट हैंड दाएं हाथ से चलते हैं, भारत में बाएं हाथ से चलते हैं, लौकिक विधि निषेध का भी अगर वह द्वेष मूलक ना हो, लौकिक विधि निषेध का भी परित्याग कर देंगे, निषेध का परित्याग करेंगे, नहीं मानेंगे तो खतरा है। इसलिए वाचस्पत मिश्र जी ने बहुत उत्तम बात लिख दी कि विधि में श्रद्धालु अधिकृत होते हैं, निषेध में आपकी श्रद्धा नहीं अपेक्षित है, श्रद्धा हो या ना हो निषेध का अनुपालन करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने ऊपर अनुग्रह करने की भावना से, क्या अपने ऊपर अनुग्रह करने की भावना से निषेध का भी अनुपालन करना चाहिए, निषेध का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो अंत में नीलकंठ महोदय ने मत्स्य सरस्वती जी ने कहा, एक भी श्रुति नहीं है जो ब्राह्मणेतर का सलिंग संन्यास में अधिकार मानती हो। हमारे पूज्य गुरुदेव का ईशावास्योपनिषद पर भाष्य है, पूरे यजुर्वेद पर भाष्य है,
चालीसवें अध्याय पर भी भाष्य है, उसको पृथक से हमने प्रकाशित करवाया था, धानका जी ने किया था, रुपया उन्होंने खर्च किया था, उसका अनुवाद जो है वामदेव जी महाराज से मैंने किया करवाया था, स्वामी वामदेव जी महाराज से निवेदन किया, लेकिन परिशिष्ट में महाराज ने लिखा है तेन त्यक्तेन भुंजिथा, संन्यास में किसका अधिकार। स्वामी वामदेव जी महाराज ने कहा, मैं इस पद पर नहीं था, मैं कैलाश आश्रम से दीक्षित हूँ, उन्होंने कहा वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का संन्यास में अधिकार माना जाता है, तो पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज को मैं भगवान गुरु ही मानता हूँ महाराज के, वो दीक्षित शिष्य थे श्री विद्या में, इसका अनुवाद आप ही कर दो। वो जो संन्यास वाला परिशिष्ट है उसका अनुवाद मेरा किया हुआ है, पूर्वाचार्य जी ने उस अनुवाद को देखा, बहुत आशीर्वाद दिया, तो अंत में एक भी श्रुति नहीं मिलती कि ब्राह्मणेतर का संन्यास में अधिकार है। आजकल कहते मेरा अधिकार नहीं, तेरा अधिकार नहीं, एक बहुत बड़ा भ्रम है कि शूद्रों को स्त्रियों को बहुत से कार्य में अधिकृत नहीं माना गया, सबसे निषेधाज्ञा मुझ पर लागू है, ब्राह्मण होता हुआ परिव्राजक हो फिर शंकराचार्य हो, शास्त्र क्या सबसे ज्यादा निषेध, शास्त्र की निषेधाज्ञा किस पर लागू है, ब्राह्मणों पर, उसमें भी सन्यासियों पर, फिर उसमें भी शंकराचार्य पर, ये अनुग्रह है या अनुताप है। शूद्रों पर जितना लोग कहते हैं ना अमुक काम में अधिकार नहीं, उससे अधिक निषेधाज्ञा हम पर लागू है, ब्राह्मणों पर कितनी निषेधाज्ञा लागू है, ब्राह्मण ने शराब पी लिए मदिरा पी लिए तो समझो प्रायश्चित कितना भयंकर है, इसलिए यह भी प्रचार नहीं करना चाहिए अमुक इस काम से स्त्रियों को पुरुषों को वंचित किया गया। आजकल आपको मालूम है जो देवियां तैराकी होती हैं, आज का विज्ञान कहता है गर्भधारण नहीं कर सकती, गर्भधारण की क्षमता नष्ट हो जाती है, जो देवियां 10 किलोमीटर तक दौड़ती हैं आज का विज्ञान कहता है गर्भधारण नहीं कर सकती, गर्भाशय उनका दूषित हो जाता है, तो मनोविज्ञान की दृष्टि से, अर्थशास्त्र की दृष्टि से, लौकिक उत्कर्ष की दृष्टि से, पारलौकिक उत्कर्ष की दृष्टि से, अपने ऊपर कृपा करके सामाजिक संस्थान को उत्कृष्ट बनाने की दृष्टि से और विद्या कला के विभाजन की दृष्टि से, अगर कहें दायित्व के विभाजन की दृष्टि से कहें, सनातन वर्णाश्रमोचित व्यवस्था के समान कोई भी व्यवस्था नहीं है, शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको सदा संतुलित रूप में सुलभ हो सके, इसका एकमात्र प्रकल्प और सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था है, इससे लोक भी बनता है परलोक भी बनता है। जो कोई देहात्मवादी हैं, जन्म से वर्ण व्यवस्था नहीं मानते, उनको भी हमारे वर्ण व्यवस्था की जो उपयोगिता है अगर सुना दें, वो भी पढ़ लें, तो उस पर लट्टू हुए बिना नहीं रह सकते। हर हर महादेव।